हेलो एवरीवन, मैं सक्सेस मेंटोर कोचिंग सेंटर की तरफ से ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आज 11 क्लास अकाउंट्स बासु एंड दत्ता क्लास 11 का आपको आज जर्नल सिखाऊंगी, गोल्डन रूल सिखाऊंगी कि गोल्डन रूल क्या होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जर्नल क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है आपके, ये सब कुछ मैं आज उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के अंदर में कितने टाइप के अकाउंट्स, अकाउंट क्या है, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, ये सब कुछ मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कुछ और जो मैं सम्स सब बताऊंगी, उस सम्स में अगर कुछ भी इशू हो या कुछ भी और सम्स चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और आपके लिए और सम्स बना दिया करूँगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 11 का बासु एंड दत्ता जो आपका जर्नल चैप्टर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखिए पार्ट वन है मेरा, इस क्लास 11 का मेरा ये पार्ट वन पहला वीडियो है, चैप्टर वन है, यह है आपका जर्नल अकाउंट्स से अकाउंटेंसी है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉमर्स क्या होता है। देखिए हम लोग जो भी क्लास 10 तक पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स जो भी पढ़े, उसका पूरा का पूरा हम लोग कॉमर्स जो 11 क्लास के स्टूडेंट्स जब 11 में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कॉमर्स में हम लिए हैं, अब 10 क्लास का कुछ भी आएगा कि नहीं। तो 10 तक आपने जो भी पढ़ा वो सब चेंज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10 तक वीक होते हैं, तो वही स्टूडेंट सुनिएगा 82-92% ले आए कॉमर्स में, क्योंकि ये नहीं है 10 तक जो भी आपने पढ़ा पूरा का पूरा सिलेबस सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाता है कॉमर्स सब्जेक्ट में। कॉमर्स आप नए दुनिया में, जैसे आप क्लास 1 में आते हैं तो बच्चे चीज़ से सीखते हैं, वैसे आप 11 में कॉमर्स का पहला पार्ट से सीखते हैं, तो वो एक तरफ से आपका नया स्टार्ट होता है 11 क्लास में कॉमर्स। और कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स का मतलब ही होता है बिज़नेस, मतलब हिंदी में व्यापार। जितने भी बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस बड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, छोटा सा छोटा भी, कोई जो फुचका बेचता है वो भी एक बिज़नेस है, कोई जो बगल में बैठ के ऐसे रास्ते में भी जो हल्का फुल्का जो सेल कर रहा है वो भी एक बिज़नेस है, और कोई बड़ा बड़ा जो कंपनी में बैठ के जो बिज़नेस चला रहा है, बिजनेसमैन है, वो भी एक बिज़नेस है। तो बिज़नेस ही हम लोग कॉमर्स को कहते हैं, कॉमर्स का मतलब ही होता है बिज़नेस, ठीक है। तो देखिए ऐसे मैंने लिखा है थ्योरेटिकली कि कॉमर्स ये हुआ बिज़नेस, मतलब द बिज़नेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। मतलब क्या, बाइंग मतलब ख़रीदना और सेलिंग मतलब बेचना, कि बिज़नेस में क्या होता है, ख़रीदो और बेचो, मतलब पैसा आया पैसा गया, सामान आया सामान गया, यही है आपका बिज़नेस, कॉमर्स व्यापार हिंदी में, ठीक है। अब देखिए अकाउंटेंसी क्या है, उसके अंदर में हम लोगों को कॉमर्स जब आप सब्जेक्ट लीजिएगा तो देखिएगा कि अकाउंट्स आता है, तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी मतलब लेखा कर्म, मतलब देखिए इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब व्यापार में लेने देने की रिकॉर्ड और रिपोर्ट को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं या फिर कुछ भी उसमें कुछ भी जो भी ट्रांजेक्शन जो भी काम हो रहा है वो चीज़ जो रिकॉर्ड हो जाता है, वो चीज़ जो आप जिस कॉपी में या कि आजकल कंप्यूटर में या जहाँ भी आप नोट करते हैं रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में लेखाकर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अकाउंट, अकाउंट तो आप लोग बच्चे में जानते ही होंगे, ये अकाउंट खोला वो अकाउंट, ये वो नहीं है, इससे रिलेटेड ये अकाउंट क्या है, कॉमर्स भाषा में अकाउंट्स थोड़ा चेंज है। इट रेफर टू एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस, मतलब ये किससे रेफर है, ये किससे मिला जुला है, इसमें एसेट मतलब क्या, कि जो भी एसेट्स हैं, मतलब आप जो भी टच कर सकते हैं, जो सामान आप टच कर सकते हैं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, जैसे कैश आप टच कर सकते हैं, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे एसेट्स हैं। आप पेन जो छूते हैं वो भी आपका, कॉपी जो है वो भी आपका, आपका जो हाथ में मोबाइल है वो भी एसेट्स है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब बर्डन, बर्डन जैसे कि पापा ने आपका कर्जा लिए हैं कल आपको चुकाना पड़ेगा, ये सब आपके क्या है, लाइबिलिटी है, लोन लिया है कल जाके मुझे चुकता करना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी है।
इनकम जानते ही हैं, आज मुझे इनकम हुआ 10 रुपये का इनकम, देखो पापा से मैंने इतना पैसा मांगा, इतना का मुझे प्रॉफिट हो गया, ये सब इनकम। और कहीं से भी और बाहरी से भी इनकम होना, जो आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से इनकम होना, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होना, कुछ भी चीज़ का खर्चा होना, तो ये सब जो विच चेंजेस इन वैल्यू और रिकॉर्डेड विथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, तो ये सब चीज़ जो होता है और रिकॉर्ड होता है कि कुछ आप क्या सामान खरीदे, एसेट में क्या हुआ, क्या आप लोन के रूप में क्या या लायबिलिटी के रूप में ये किए हैं, क्या आपका इनकम हुआ, क्या आपका खर्चा हुआ, ये सब जो रिकॉर्ड होता है अकाउंट में डेबिट के रूप में और क्रेडिट के रूप में। अब आप कहेंगे कि हमारा डेबिट क्या है मैम और क्रेडिट क्या है, वो मैं अभी बताऊँगी। फ़िलहाल तो आप ये देखिए अकाउंट का टाइप कितने होते हैं, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, ये भी मैं बताऊंगी, वेट कीजिएगा। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, पहले देखिए अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। तो देखिए रियल अकाउंट में, अच्छा इससे जाने से पहले मैं पहले डेबिट एंड क्रेडिट आपको बता ही देती हूँ। देखिए डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स, कॉमर्स के भाषा में जो डेबिट हम लोग कहते हैं और क्रेडिट कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि अ डेबिट एंट्री इन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू टू दैट अकाउंट, मतलब आपका जो भी आपके अकाउंट में, जो भी आपके खाता में या फिर आपके दुकान में, सपोज़ लीजिए एक दुकान है आपका या जो भी बिजनेस है आपका, तो वहाँ पे आपका जो भी ट्रांसफ़र होता है सामान, जो भी आपका आता है, कुछ पैसा आया क्या नहीं आया, क्या कितना पैसा मिला आपको, ये सब जो ट्रांसफरिंग होता है, जो भी, ये सब वैल्यू आपका डेबिट एंट्री होता है। और क्रेडिट में क्या होते हैं कि क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द अकाउंट, और आपके यहाँ से जो ट्रांसफ़र हो गया मतलब अकाउंट में, अकाउंट के अकाउंट से, आपके अकाउंट से या फिर आपके बिजनेस से या फिर आपके खाता से या आपके घर से ही आप बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ से जो आपका ट्रांसफ़र हो गया उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो ये है डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट का मतलब क्या कि आपका रियल में, तो रियल में उसका क्या मतलब हुआ कि सिंपल लैंग्वेज में डेबिट में जो आपके पास आता है आपके बिजनेस में, आपके दुकान में, आपके घर में, जो भी सामान आता है खरीदाता है, जो भी पैसा आता है, वो सब क्या हो गया डेबिट, मतलब जो आपसे जुड़ता है वो, और जो आपके यहाँ से चला जाता है मतलब वो चीज़, वो सब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चले जाते हैं आपकी दुकान से, आपके बिजनेस से, आपके खाता से, अकाउंट से, आपके बैंक से, ये सब क्या हो गए क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट्स के लैंग्वेज में यही हमारा डेबिट और क्रेडिट, और इसको अच्छे से आप जानिएगा पहले फ़िलहाल। अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपके डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो रियल में आपका क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, मतलब रियल अकाउंट में ये है कि देखिए डेबिट एंड क्रेडिट भी आपका, यह तो आप समझ गए, लेकिन इस 3 टाइप में कब कब क्या क्या, मतलब ये रियल में कब डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, पर्सनल में डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, और नॉमिनल में डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, इसको आप जानिए अकाउंट्स का 3 टाइप में क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए रियल में मतलब होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आपके पास आया। ठीक है, सपोज़ आपके पास पेन ख़रीदा के आपके पास आया, तो वो आपके क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, और आपके पास से क्या चला गया, उसके बदले में आप पैसा दे दिए तो आपके पास से पैसा चला गया, तो वो क्रेडिट हो गया। तो अब मैंने अभी बोला था ना डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, जो आपके पास आता है, जुड़ता है, जो ऐड होता है वो डेबिट होता है, जो चला गया आपके यहाँ से, जो हट गया, वो सब क्या आपका क्रेडिट। ये किस में आता है ये चीज़, ये रूल रियल अकाउंट कहलाता है, इसको हम लोग रियल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट में, पर्सनल में डेबिट और क्रेडिट कब क्या होता है कि पर्सनल में डेबिट द रिसीवर। देखिए पर्सनल का मतलब ही आप समझिए, पर्सनल मतलब क्या, प्राइवेट, जरूर किसी इंसान से जुड़ा होगा ये, तो इंसान से जब भी जुड़ा रहता है तभी समझ जाइए कि इसमें कोई ना होगा इंसान होगा, वहाँ तो आप रियल में थिंग्स से मतलब सामान से रिलेटेड था आपका, यहाँ पे आपका इंसान से जुड़ा है। मतलब डेबिट द रिसीवर मतलब जो आदमी रिसीव करता है, मतलब आप अगर पैसा रिसीव करते हैं तो आप हो गए डेबिट। ठीक है, और जो जिसको आप दीजिएगा वो हो गया आपका क्रेडिट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट रिसीव किया, पैसा रिसीव किया या सामान रिसीव किया लिया, तो वो हो गया डेबिट, और जो आपका दिया दे दिया आपको, तो वो हो गए आपके क्रेडिट।
क्रेडिट। सपोज आप एक दुकान में ख़रीदने गए तो आप कुछ मान लीजिए कि मोबाइल ख़रीद के लेके आए, तो आपका आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, तो आप हो गए डेबिट, और आप के लिए कौन आपका क्रेडिट हुआ, वो दुकानदार, आपने उसको क्या दे दिया, उसके बदले पैसा दे दिया, तो वो हो गया आपका कौन, क्रेडिट। ठीक है, अच्छा ये हो गए आपके, यहाँ पे इस तरीके से डेबिट क्रेडिट होगा, रिसीवर इज द डेबिट और गिवर मतलब देने वाला क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, अच्छा नॉमिनल में देखिए, नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब जितना भी आपका खर्चा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हुआ, आप सैलरी दे रहे हैं, घर का भाड़ा दे रहे हैं, ये सब खर्चा है, तो ये हो गया डेबिट। ठीक है, जो भी आप खर्चा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो सब आपके डेबिट है, और जो इनकम है, मान लीजिए आपको घर का भाड़ा मिल रहा है, आज वहाँ से पैसा मिला, आज कहीं और से चंदा मिला, ये सब क्या है, आपके इनकम हो गए, तो वो हो गए क्रेडिट। तो तीन रियल पर्सनल नॉमिनल में आपको ये दिमाग में लगाना पड़ेगा कि सामान आपके पास आता है या चीज़ आता है या पैसा आता है तो वो डेबिट, जो चीज़ जाता है आपके यहाँ से वो क्रेडिट। रियल में, पर्सनल में इंसान से है, मतलब जो इंसान रिसीव करता है वो डेबिट, जो इंसान देता है वो हो गया क्रेडिट। नॉमिनल में जो खर्चा है, जितने भी तरह के खर्चा, कुछ भी खर्चा हो गया, आज आपको सामान खरीदना है, कॉस्मेटिक सामान खरीदना है, तो खर्चा किए हैं, तो वो आपका डेबिट, और जो भी आपको मिलता है पैसा हिसाब से मिलता है, जो इनकम हो रहा है, दुकानदार को पैसा मिला, वो हो गया क्या, क्रेडिट। तो जो इनकम प्रॉफिट हुआ तो वो हो गया आपके क्रेडिट। तो ये दोनों चीज़ एक्सपेंस देखिए, याद रखिएगा, तो ये सब जो है ये एसेट से रिलेटेड होता है रियल में, तो वो रियल में, ये रियल में आता है, पर्सनल में इंसानों से, और नॉमिनल में चीज़ का खर्चा और इनकम से नॉमिनल में। ठीक है, इसको और डिटेल में मैंने लिखा है, ये देखिए, रियल मतलब जनरल लेजर अकाउंट, ये क्या है आपके, जनरल लेजर अकाउंट है, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। तो रियल में आपको एसेट और लाइबिलिटी का ही चीज़ दिखाना पड़ेगा। एसेट आपने अभी मैंने कहा था, जो भी चीज़ आप टच कर सकते हो, जो लॉन्ग पीरियड के लिए है, जैसे कैश, बैंक, मोबाइल, ये सब। लाइबिलिटी मतलब क्या, जो बर्डन है, कल जाके चुकता करना पड़ेगा, जैसे लोन हो गया, ये सब क्या है आपके, लाइबिलिटी है। तो दीज आर अकाउंट दैट डोंट क्लोज एट ईयर एंड एंड आर कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, ये सब अकाउंट क्लोज नहीं होता है, ये क्या होता है कि आज ख़त्म हुआ तो फिर इसी का पैसा कल फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया इस समय रियल अकाउंट को, इसको कहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो, वो चलता रहे। कैरिड फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए फिर ट्रांसफ़र हो गया तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ऐसे लाइबिलिटी में यही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आपका हो गया रियल अकाउंट, जो आपके लॉन्ग पीरियड और एसेट मैंने अभी कहा था, ये सब हो गए आपके एसेट जो आप टच कर सकते हैं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए है। ठीक है, इसके रूल में मैंने फिर से लिखा है, जो अभी बताया था, कि जितना चीज़ आपके पास आता है, जो भी चीज़ आपके पास जुड़ता है, ऐड होता है, जो लेते हैं आप, वो सब डेबिट है। जो आप क्रेडिट क्या है, जो आपके पास से चला गया, जो बेच दिए आप सामान, जैसे एग्जांपल मैंने डेबिट को देखिए यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल परचेस मतलब आपने ख़रीदा, क्योंकि आपके पास आया तो ख़रीदा, तो मतलब आपके पास आया, तो वो डेबिट। और क्रेडिट क्या हो गया, जो आपने बेचा मतलब सामान आपके पास से चला गया, तो वो हो गया ये क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया गोल्डन रूल का नियम है। तो रियल अकाउंट में जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए डेबिट में क्या है, परचेस खरीदे हैं आप सामान तो परचेस डेबिट होगा, मशीनरी खरीद के आए तो वो डेबिट है, जितने भी एसेट हैं जो टच कर पाते हैं आप, लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, देखिए क्या क्या, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, मोबाइल, पेन, ये सब, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, गुडविल। गुडविल एक तरफ से क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, जो आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो एसेट आता है। ठीक है, कैश, बैंक, एक्सेट्रा, ये सब करेंट एसेट में आते हैं, ये सब आपके क्या है, डेबिट है। ठीक है, क्योंकि ये सब आप खरीदते हैं, लेके आते हैं, जुड़ता है आपके पास से। और क्रेडिट क्या हो गया, जो आप बेचते हैं, देखिए सामान बेचे, लोन लाइबिलिटी है, जो कल के हमको चुकता करना पड़ेगा, ये सब हमारा क्रेडिट होता है। जैसे देखिए लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, कैपिटल, कल आज पूंजी लगाए हैं, कल वापस मिलेगा कि नहीं, तो उससे बर्डन हुआ, लोन उठाए हैं तो कल हमको चुकता करने पड़ेगा, ये भी एक बर्डन हुआ। एडवांस लिए हैं, जनरल रिजर्व कल के रूप में रखे हैं, कोई भी शेयर, करंट लाइन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या हो गया हमारे लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमारा क्या होता है, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कल होके हमको ये सब चुकता करना पड़ेगा, और ये डेबिट है।
ठीक है, ये सब एसेट हो गए क्योंकि टच कर पाते हैं, ये हमारा एक तरफ से एसेट है, ये हमारा स्टॉक के रूप में रखा रहेगा, ये सब डेबिट है जो आप टच कर पाएंगे लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेबिट और ये क्रेडिट, और बहुत सारे हैं, इतने सारे मैं इस एक्स्ट्रा में ही समझा दी हूँ, तो आप और भी जो भी आएंगे आप समझ जाइएगा। तो ये रियल में आप समझ गए कि जो चीज़ आपके पास आता है वो आपका रियल, और जो चीज़ आपके पास से जाता है वो है आपका क्रेडिट। जो चीज़ आता है वो डेबिट, जो चीज़ जाता है वो क्रेडिट। जैसे आपने एक सामान खरीदा तो ख़रीदा है, तो मान लीजिए एक पेन ख़रीदे हैं तो पेन आपके पास आया तो वो डेबिट हो गया, और उसके बदले आपके यहाँ से क्या चला गया, पैसा चला गया, तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके रियल अकाउंट में। और एसेट है लाइबिलिटीज़ में आपने समझा, तो एसेट का मतलब ही आप समझ जाइए कि जो आप टच कर पाइएगा, जो कुछ टाइम के लिए पीरियड लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, पेन पेंसिल बिल्डिंग मशीनरी ये सब हम आपके क्या हो गया एसेट। और लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी याद रखिएगा, एसेट हमारे साथ डेबिट होता है, और लाइबिलिटी क्या है क्रेडिट, कल के बर्डन है, कल हमको चुकता करना पड़ेगा, जैसे लोन रिजर्व कैपिटल ये सब हमारे क्या है कि हमको बर्डन है, माथा पे एक जो भार है, तो वो सब क्या है लाइबिलिटी, वो होता है क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देखिए। अब देखिए मैंने अभी शॉर्ट में बताया था ना रियल पर्सनल और नॉमिनल, इसी को मैंने डिटेल में फिर से बताया है। तो पर्सनल में अभी बताई थी रिसीवर और गिवर, रिसीवर हो गया डेबिट, जो भी लेता है जो इंसान रिसीव करता है वो डेबिट, और जो इंसान देता है वो आपका क्रेडिट। फिर भी मैं इसमें लॉन्ग प्रोसेस में बताई हूँ, ये देखिए इसको भी जनरल लेजर अकाउंट ही कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, इट कनेक्टेड टू ऑल पर्सन्स, ये सब इंसानों से, सब इंसानों से जुड़ा रहता है। इंडिविजुअल मतलब अकेला जो होगा, फर्म से रिलेटेड, एसोसिएशन मतलब जो ग्रुप में चलाता है, कोई फर्म चलाता है, ये सब सब पर्सनल है। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज द क्रेडिटर डेटर अकाउंट एक्सेट्रा, मतलब क्या हो गया कि ये सब हमारे डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, तो आपके डेटर और क्रेडिटर, डेटर जो है वो क्या है आपके डेबिट है क्योंकि वो कस्टमर है, और क्रेडिटर आपके सप्लायर हैं वो आपके क्रेडिट है। ठीक है, सप्लाई जो करता है वो क्रेडिटर, और डेटर मतलब कस्टमर जो रिसीव करता है, कस्टमर हम लोग जैसे हो गया वो डेबिट होता है, क्रेडिटर क्रेडिट और डेटर डेबिट। ठीक है, तो इसका क्या रूल है कि डेबिट जो है वो रिसीवर होता है, जो लेता है रिसीव करता है कस्टमर, जैसे डेटर, डेटर को ही कस्टमर कहते हैं, जो रिसीव करता है, मान लो राम एग्जांपल दिए हैं तो वो हो गया हमारे डेबिट, मान लीजिए हम ही हैं, हम कुछ रिसीव किए तो हम जो इंसान हैं वो डेबिट हो गए वहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ पे होता है पर्सनल अकाउंट में। और क्रेडिट जो है वो गिवर है, जो देता है मतलब सप्लायर, जो सप्लाई करता है। ठीक है, वो हो गया आपके गिवर, मतलब देता है वो सप्लाई करता है सामान को, मतलब सप्लाई मतलब क्या, बेचता है लगाता है मार्केट में, वो सब क्या हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेबिट और क्रेडिट। पर्सनल में मतलब जो रिसीव करे वो डेबिट, जो गिव करे दे वो क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिया डेबिट, जैसे डेटर राम एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, क्रेडिटर में क्रेडिटर मोहन, कोई भी एग्जाम नाम ले लीजिए क्योंकि ये सब तो इंसानों से ही ना जुड़ा है इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पर्सनल। अब आइए, हल्का तो हिंट मैंने दिया था, फिर लॉन्ग प्रोसेस में भी बताई हूँ। देखिए नॉमिनल थर्ड गोल्डन रूल जनरल लेजर अकाउंट इसको भी कहते हैं, ये इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे इनकम एक्सपेंसेस लॉस गेंस, गेंस मतलब प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट हो गया, लॉस मतलब आपका सामान लॉस हो गया, मतलब नहीं कहते हम लोग कि आज मेरा सारा डूब गया पैसा, लॉस हो गया। एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनकम मतलब प्रॉफिट जो आपको हो रहा है, पैसा खूब हो रहा है, अच्छा इनकम हो रहा है, तो ये सब चीज़ इसमें आता है नॉमिनल में। तो जितने भी एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट हैं, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, सैलरी मतलब इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं, किसी इंटरेस्ट मिला तो वो हो गया आपके क्रेडिट। सैलरी जो अगर देना पड़े तो हो गया आपका खर्चा, तो डेबिट, और नहीं रिसीव कर रहे हैं सैलरी तो वो हो गया आपका इनकम, तो वो क्रेडिट। मतलब यहाँ पे जो भी खर्चा हो मेरा, जिसमें रेंट पे करना पड़ रहा है, बिल भरना पड़ रहा है, सैलरी देना पड़ रहा है, ये सब हमारा खर्चा है तो डेबिट। और जो रिसीव करते हैं आप, जो लेते हैं प्रॉफिट के रूप में, गेन के रूप में, कहीं से पैसा मिला, कहाँ चंदा से मिला, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपके क्रेडिट। तो नॉर्मल भाषा में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो डेबिट, और जो भी रिसीव गेन प्रॉफिट जो होते हैं वो क्रेडिट। ठीक है, तो ये है गोल्डन रूल्स। देखिए तो मैं फिर लिख दे, डेबिट द एक्सपेंसेस, एग्जांपल सैलरी पे आपको देना पड़ा सैलरी तो वो हो गया डेबिट, क्रेडिट इनकम
और गेन, जैसे गेन भी प्रॉफिट ही होता है बिजनेस में, मतलब सैलरी रिसीव, आप रिसीव किए तो हो गया आपका क्रेडिट। देखिए डेबिट में क्या क्या है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, पे मतलब देना पड़ा, पेड मतलब देना पड़ा, सैलरी पे करना पड़ा, रेंट पे करना पड़ा, इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ा, ये सब क्या हो गया डेबिट। और क्रेडिट में इनकम कर रहे हैं आप, रिसीव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट आपको मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं आप, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब कमीशन रिसीव कर रहे हैं, सब आपका क्या हो गया क्रेडिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है आपके गोल्डन रूल्स के फर्स्ट में मैंने बताया, यहाँ पे मैंने छोटा में बताया था। अब यहाँ पे पहला रियल अकाउंट गोल्डन का, पर्सनल, फिर नॉमिनल। ठीक है, ये हम लोगों ने आज गोल्डन रूल सीखा। देख लीजिए जर्नल का, कॉमर्स का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये गोल्डन रूल। अगर ये आपका गड़बड़ाया तो पूरा अकाउंट्स गड़बड़ाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इन सब चीज़ों से हम बनाएंगे जर्नल। ये जो हम लोगों ने अभी सीखा उस किस लिए सीखा कि जर्नल बना सके। जर्नल क्या होता है देखिए, जर्नल एंट्री इज़ द एक्ट ऑफ कीपिंग और मेकिंग रिकॉर्ड। मतलब जो भी हमारे बिजनेस में, दुकान में, हमारे घर में ही अगर हम काम कर रहे हैं, या फिर कहीं भी छोटा सा दुकान खोलें, बड़ा सा बड़ा कंपनी में खोलें, या कहीं भी मेरा जो बिजनेस चल रहा है, तो उसका रिकॉर्ड को रखेंगे, बनाएंगे, मेकिंग करेंगे, एनी ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, जो भी आप लेते हैं, जो आप देते हैं, जो आपका डेबिट हो रहा है, जो आपका क्रेडिट हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ इकोनॉमिक में या नॉन इकोनॉमिक में, मतलब पर्सनली नॉन पर्सनली जो भी हुआ, वो सब आप रिकॉर्ड करते हैं। आप इजी लैंग्वेज में समझिए ना, कि जैसे कि हम कोई दोस्त को दिए तो बहुत सारा पैसा दिए, तो हम लोग कॉपी में लिखते हैं ना कि ये दिए हैं, ये लिए हैं, ये दिए हैं, ये लिए, तो वही सब, वो सब जो आप लिखते हैं उसी को ही अब आप उसी को आप एक अकाउंट्स के भाषा में, अकाउंट कॉपी में, अकाउंट सम बनाते हुए जर्नल बनाएंगे, उसी को कहते हैं जर्नल। जैसे एक बनिया दुकानदार जो होता है, सोना बेचता है जो, वो क्या करता है, एक तो डायरी देखिएगा, खाता रखता है, तो वो अपना जो सामान बेचा, खरीदा, कितना पैसा लगाया, कितना उसका पास आया, कितना नहीं आया, वो सब क्या करता है, वो अपना डायरी में नोट करता है। उसी को हम लोग अब अकाउंट्स की भाषा में जर्नल बनाते हुए करेंगे, तो वही है चीज़। तो उसका भी वैसे ही होता है, डेबिट मतलब क्या, उस जो पैसा लेता रहता है हम लोग उससे, सोना के जो हम लोग सोना खरीदने जाते हैं तो उसको पैसा देते हैं, तो हमारा अपना डायरी में क्या करता है, वो सब चीज़ें वो रिसीव लेता है, तो वो अपना दिखाता रहता है, और जो देता है वो भी दिखाता है। तो वही चीज़ को हम लोग अब जर्नल की भाषा में दिखाएंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूप में। ठीक है, जो जुड़ता रहेगा आता रहेगा वो डेबिट, जो जाता रहेगा चला जाता रहेगा वो क्रेडिट। बस यही है हमारा अकाउंट्स और कॉमर्स। एक तरफ से हम लोग भी बनिया ही टाइप हुए। बिजनेसमैन क्या होता है, वो दुकान में अपना डायरी में जर्नल नहीं खोलता है, वो ऐसे ऐड लेस करके दिखाता है। तो हम लोग उसी ऐड को जर्नल में दिखाएंगे डेबिट के रूप में, और वही लेस को दिखाएंगे क्रेडिट के रूप में जर्नल में। तो वो वहाँ पे खाता में अपना ऐसे ऐड लेस दिखाता है, हम लोग उसका ही जर्नल बनाएंगे, उसी के रूप को इस भाषा में अब लिखेंगे जर्नल के रूप में। ठीक है, तो यही हुआ आपका जर्नल। और कॉमर्स इसी को कहते हैं बिजनेस, कितना लेन हुआ, कितना देन हुआ, कितना गया, कितना आया, कितना क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, यही है कॉमर्स का दुनिया और अकाउंट्स का दुनिया। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कुछ ट्रिक्स में। ट्रिक्स किस लिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एज अ रूल गोल्डन रूल से समझते हैं, और कुछ उसमें दो चार ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि नहीं मैम हमको रूल्स के हिसाब से नहीं चलाना है, बहुत प्रॉब्लम होता है इंग्लिश का वर्ड पढ़ने में, लाइन समझने में, तो आप कुछ ट्रिक्स दे दीजिए। उसके लिए, उस सभी के लिए हम एक ट्रिक्स निकाले हैं, ये रहा ट्रिक्स आपका, ये रहा, ये देखिए ये ट्रिक। लेकिन मत फॉलो कीजिएगा, लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट के लिए जिसको इंग्लिश में थोड़ा ट्रिक प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, नहीं समझ पाते वो रूल्स क्या बोल रहा है, कौन लिया, कौन दिया, किसके पास आया, उन सब स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मैंने ये ट्रिक निकाला है कि सम में जब आपका टू वर्ड रहे, इन टू वर्ड रहे, तो आप डेबिट लीजिएगा, और जब आपके सम में फ्रॉम या बाय वर्ड रहे तो क्रेडिट होगा। ठीक है, और सब इजीली कमेंस्ड, स्टार्टेड और इन्वेस्टेड, अगर ये तीनों रहा
ये सब तीनों एक ही भाषा हुआ कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कैपिटल लिखिएगा, और कैपिटल आपका लाइबिलिटी है, एक आज पूंजी लगाए हैं कल पैसा वापस आएगा कि नहीं, लाइबिलिटी है, बर्डन है। तो मैंने अभी कहा था लाइबिलिटी, हर लाइबिलिटी ही आपका क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट लिखिएगा। बॉट परचेस मैंने अभी बताया था, रियल में ख़रीदे हैं सामान तो वो डेबिट हो गया, सेल्स गया है आपके सामान से बेच दिए आप तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये सेल्स क्रेडिट, और सेल्स का सोल्ड वर्ड रहेगा तो सेल्स ही लिखिएगा, बाउट वर्ड रहा तो परचेस लिखिएगा सम में, ठीक है। ये सब ट्रिक है और ये ट्रिक को फॉलो कीजिए, टू इंटू रहा तो डेबिट, फ्रॉम बाय रहेगा तो क्रेडिट। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश का वर्ड पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सम्स में चलते हैं। देखिए ये चैप्टर 4 है, यहाँ से जर्नल स्टार्ट है। 1, 2, 3 चैप्टर में तो आपका बस डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है और थ्योरी पार्ट है। तो स्टार्टिंग सम जो पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट है, और चैप्टर 3 के 2 में एक तो इक्वेशन वाला है, उसमें भी वही दिखाना है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्यों होता है, रीज़न दिखाना होता है, और कौन नॉमिनल रियल पर्सनल होता है वो सब है। तो वो मैं तो अभी आपको थ्योरी में बता ही दी हूँ नोट्स में, उससे आप वो 3rd या जो भी 2 नंबर या 3 नंबर जो भी चैप्टर वो भी कर लीजिएगा वो सब चैप्टर, और बाकी जो है वो सब थ्योरी है। लेकिन सम चैप्टर 4 से स्टार्ट है, चैप्टर 4 जर्नल। तो आज लेज़र नहीं करेंगे, लेज़र जर्नल के बाद होता है। तो ये रहा आपका सम। देखिए सम में क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपको जर्नल करना है सभी ट्रांजेक्शन जो भी हुए हैं। पहला बोल रहा है मिस्टर अनीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर अनीत नाम का जो आदमी है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है 2000 रुपये से, ठीक है। कैश बोल दिया तो लीजिएगा, नहीं बोला तो भी कैश मानिएगा। अगर चेक बोल देता या बैंक बोल देता तब आप क्या लिखते सब में, बैंक लिखते, ठीक है। तो इसका जर्नल देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मेट ऐसा कीजिएगा, 1 नंबर सम्स है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनीत। देखिए ऊपर में नाम नहीं दिया है, अगर देता तो लिख देता है, नहीं दिया तो यहाँ तो दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनीत। अगर कहीं भी नाम ना दे, मतलब कहीं भी मतलब क्या, ये स्टार्टेड वाले में नहीं दे और ना ही ऊपर दे, तब आप डैश 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 दे दीजिएगा, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा, डेबिट पर्टिकुलर्स LF लेज़र फॉलियो, इसका यूज़ नहीं है, रुपीज़ रुपीज़ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया आपके सम का फॉर्मेट, ठीक है। देखिए डेट यहाँ पे नहीं दिया है, 1, 2, 3, 4 करके दे दिया है, तो वही करके आप भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो पहला जर्नल क्या था, मिस्टर अनीत स्टार्टेड, मैंने अभी वर्ड आपको थ्योरी में बताया था ना कि ये देखिए ट्रिक में, मैंने अभी बताया था ना कि स्टार्टेड वर्ड रहे या इन्वेस्टेड रहे या कमेंस रहे, वहाँ कैपिटल ही लिखा था, और कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर अनीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या एंट्री होगा, कैपिटल तो होगा क्योंकि स्टार्टेड वर्ड है, तो कैपिटल क्रेडिट होता है, अभी मैंने बताया कि वो लाइबिलिटी है, तो ऊपर क्या होगा, कैश, अगर जहाँ कुछ ना तो वहाँ कैश मानिएगा, ठीक है। चेक या बैंक रहता तो चेक बैंक लिखते, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्यों आया, स्टार्टेड बोला था वर्ड, ठीक है। और दूसरा बात कि कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होता है, बर्डन के रूप में क्रेडिट होता है, तो ये अगर क्रेडिट हो गया तो ऊपर क्या होगा, कैश, ठीक है। तो ये हो गया 2000 अमाउंट से आपको बोला था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये रहा 2000 से, ठीक है। आपका जो लाइन है उस बुक में वही लाइन आप नरेशन में यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। सेकेंड आइए, गुड्स परचेस फॉर कैश, रियल अकाउंट में हमने सामान, मैंने सिखाया था कि जो क्या होता है, सामान खरीदते हैं वो हमारे पास आया तो वो क्या हो गया, रियल अकाउंट में डेबिट। तो ये देखिए सामान खरीदा आपने, परचेस हमेशा ही डेबिट होता है क्योंकि वो रियल है, वो आता है आपके पास, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ ना बोले, मान लीजिए गुड्स परचेस ही लिखा रहता तो आप कैश ही मानते, जहाँ दिख दिया यहाँ पे, तो नहीं भी लिखेगा तो कैश मानिएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया आपके परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, उसका अमाउंट अब दे दीजिएगा, और जो बुक लाइन है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। थर्ड आइए, थर्ड में क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने सामान बेचा, तो मैंने बोला था ना रियल अकाउंट में जो चला जाता है जाएगा वो क्या है,
क्रेडिट, सोल्ड हमेशा ही सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो चला गया रियल अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया, तो क्या हो जाएगा एंट्री, कैश ऊपर हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड को मैंने ट्रिक में भी बताया था कि सोल्ड रहेगा तो सेल्स वर्ड लिखिएगा, तो यही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये हो गए आपके 15,000। अब आइए फिर से एक और स्टार्टेड हुआ है बिजनेस विद कैश, जहाँ स्टार्टेड वर्ड हो तो कैपिटल आना कंपलसरी है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी है, तो फिर वही एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहले जनरल की तरह यहाँ भी हो गए स्टार्टेड जो लाइन है वही दे दीजिएगा। अब आइए यहाँ पर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने कैश किया बैंक के अंदर डिपॉजिट किया। ठीक है, देखिए मैंने ट्रिक में आपको उस स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो मैंने ट्रिक में बताया था ना टू और इनटू वर्ड रहता है तो वो डेबिट होता है। देखिए यहाँ इनटू वर्ड है तो इसका मतलब बैंक जो है वो क्या होगा, डेबिट, और नीचे कुछ नहीं तो कैश मानिएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये ट्रिक के हिसाब से है। ठीक है, और वैसे भी बैंक के पास आया ना रियल अकाउंट में पैसा तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और गया क्या कैश तो हो गया क्रेडिट। तो गोल्डन रूल के हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से, और ऐसे ट्रिक के हिसाब से इनटू हमेशा डेबिट होता है, मैंने अभी ट्रिक में बताया था। ये देखिए टू और इनटू डेबिट होता है। ठीक है, ये सब उस स्टूडेंट के लिए है जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया 50,000, तो क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, और जो लाइन है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रिसीव हाउस रेंट फ्रॉम रहमत, रेंट रिसीव किए हैं कहाँ से, रहमत से, तो मैंने अभी ट्रिक में बताया था फ्रॉम रहेगा और बाय वर्ड रहता है तो वो क्रेडिट होता है, मतलब रहमत क्या होगा, क्रेडिट, तो ऊपर क्या होगा, रेंट अकाउंट, या हाउस रेंट लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हाउस रेंट अकाउंट डेबिट टू रहमत। ऐसे तो ये ट्रिक के हिसाब से उन स्टूडेंट के लिए जहाँ पे इंग्लिश में जिसका प्रॉब्लम हो रहा है, और ऐसे आप समझिए कि रेंट आप ले रहे हैं किससे, रहमत से ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, रहमत के पास जा रहा है, इसलिए रहमत क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और तुम्हारा आपका रेंट क्या हो गया, आपका डेबिट हो गया, क्योंकि आ रहा है रेंट तो इसलिए वो डेबिट हो गया, गोल्डन रूल के हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपके ये क्या बोलते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रहमत, कितना 2,000 का, मेरा रेंट अकाउंट डेबिट टू रहमत 2,000। ठीक है, और ट्रिक के हिसाब से समझिए तो फ्रॉम वर्ड मैंने अभी बोला था ट्रिक में उन स्टूडेंट के लिए जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उनको, तो बाय और फ्रॉम क्रेडिट होता है, मतलब क्या हो जाएगा, टू रहमत। तो ये हो गया आपके जर्नल। ठीक है, और मैं सम्स करूँगी आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है जिस सम्स में, जो जो सम्स आपको करवाना है वो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मैंने वन नंबर ही सम दिखाया है इसमें, अब नेक्स्ट टाइम से मैं और टफ टफ सम आपके पास लेके आऊँगी, बस आप कमेंट कीजिएगा जो सम आपको चाहिए होगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।